एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो में जहां पे हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। लास्ट टाइम मैंने कहा ही था कि भैया एक दिन जरूर आएगा जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों नेचुरल नंबर जो होते हैं इंटीजर के सिमिलर होते हैं, रैशनल के सिमिलर होते हैं। भैया क्यों? वो सारे आंसर हमारे को मिलने वाले हैं आज इस वीडियो में। सो स्वागत है सबका इस वीडियो में। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक तो सिमिलर सेट रहेगा बट ज्यादा फोकस हमारे होने वाली है प्रैक्टिस पे। मैंने सिमिलर सेट की थोड़ी सी यहां पे लिखी हुई है चीजें जो हमारे यूज में आने वाली है। दीज आर द क्वेश्चन दैट वी विल बी डूइंग। इनके सॉल्यूशन पहले एक बार खुद से ट्राई कर लो इन्हें, फिर हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला एन, एन के सिमिलर होता है पता नहीं, देखेंगे। अरे ये जो सारे लिखे हैं भैया जरूरी नहीं है ये सिमिलर होंगे ही होंगे, है या नहीं है वो बताने आने, ठीक है। जैसे ये सिमिलर होगा या नहीं होगा पता नहीं। इसके लिए भैया तुम्हें लास्ट की वीडियो कैंटर सेट देखनी पड़ेगी, उस वो काफी इंपॉर्टेंट होगी। ये हमारे पास नेचुरल नंबर के टाइम्स नेचुरल नंबर के क्या सिमिलर होता है, इंटीजर के ऑर्डर्ड पेयर के, इंटीजर के ऑर्डर्ड पेयर के, रैशनल्स के, सबसे बड़ा क्वेश्चन पावर सेट के, एक 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 इंटरवल के, क्या इंटरवल आपस में हमारे पास सिमिलर होते हैं, क्या ये इंटरवल सिमिलर है, क्या पूरी रियल लाइन एक इंटरवल के सिमिलर होती है, और कुछ ऐसे प्रूफ करने वाले हैं जिसको मजा आ जाएगा करके यार, फील आ जाएगी उन प्रूफ्स की। क्यों? क्योंकि हम ज्योमेट्री यूज करने वाले हैं और जब भी ज्योमेट्री आती है कुछ तो मजा आता है यार। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टिंग। सबसे पहला प्रूफ मैं यहां पर रखने वाला हूं और बाकी सबको रब कर देता हूं, ठीक है। तो उसको करते हैं, उससे पहले एक सेकंड, रब करने से पहले एक चीज तो बता दे, इतनी मेहनत से लिख के लाया हूं यार। सिमिलर सेट, इक्विवेलेंट सेट या इक्विपोटेंशियल सेट? इक्विपोटेंशियल बताया था ना, जिसमें दोनों का पोटेंशियल क्या होने वाला है, सेम होने वाला। दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, जिसमें वन टू वन और ऑन टू मैपिंग होती है, पहले बताया था। तो सबसे बढ़िया डेफिनेशन मैंने तुम्हें लिखवाई थी सिमिलर सेट प्रूव करने की, कि अगर तुम मान लो नेचुरल को या ए सेट को बी के सिमिलर प्रूव करना चाहते हो तो एक मैपिंग डिफाइन कर दो ऐसी, लेट अस से फाई फाई, एक ऐसी मैपिंग डिफाइन कर दो बिटवीन दीज टू सेट सच दैट दैट मैपिंग इज वन वन एंड ऑन टू। अब तुम कहोगे भैया आप तो बहुत एक्साइटेड लग रहे हो। हाँ अरे भैया प्रैक्टिस वीडियो में हमेशा एक्साइटेड रहता हूं, क्योंकि प्रैक्टिस में तो मजे है, प्रैक्टिस में तो मजा है, प्रैक्टिस में तो चीजें सीखने को मिलती है। तो ए सिमिलर टू बी प्रूव करने के लिए क्या करो, एक मैपिंग डिफाइन करो सच दैट वो मैपिंग कैसी होनी चाहिए, वन वन ऑन टू। अगर तुम ऐसी कोई मैपिंग डिफाइन कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो वो सेट सिमिलर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कैंटर सेट में क्या बताया था, एनी सेट और उसकी पावर सेट, इन दोनों में अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं फाई, तो ये फाई कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ऑन टू नहीं हो सकता। भैया बोर्ड पे आपने एक का आंसर तो फिर डायरेक्ट ही बता दिया। हाँ एक और चीज जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, एक तो ये पॉइंट हो गया पहला। दूसरा, ये जो सिमिलर सेट होते ना, ये जो सिमिलर का रिलेशन, ये जो मैंने सिंपल बनाया, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का भी मैंने मतलब समझाया हुआ है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है ए ए के सिमिलर तो हो गई, मतलब नेचुरल नेचुरल के सिमिलर हो गए, वो तो ऑब्वियस बात भी लग रही है। हाँ ऑब्वियस भी है। अगर ए बी के सिमिलर है तो बी ए के भी सिमिलर होगा। भैया आप नहीं मानते, आप प्रूव करके दिखाओ इन्हें। चलो आधा पहले इनको प्रूव करेंगे, एक बार बता देता हूं। ए बी के सिमिलर है, बी सी के सिमिलर है, तो ए सी के सिमिलर होगा। अब ऐसे तो मानने नहीं वाले, तो एक काम करते हैं, इनको प्रूव करते हैं। पहले मैं सबको हटा देने वाला हूं, लेट्स सी। तो सबसे पहला हम लेने वाले हैं प्रूफ ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का प्रूफ भैया बहुत इजी सा है। जैसे फॉर एग्जांपल A is similar to A, कैसे प्रूव करूं भैया? एक मैपिंग डिफाइन कर दो सच दैट वो ऑन टू भी हो, और ले भैया कर दो लो तो भाई ये ऑन टू भी है, चाहे तो प्रूव करके देख लो, दिस इज ऑन टू। अब मैं ये तुम्हारे पे छोड़ रहा हूं, ऑन टू कैसे प्रूव करोगे और वन वन कैसे प्रूव करोगे? वन वन तो दिख ही रही है यार, एक एलिमेंट यहां से उठाओ दूसरे वाले से पढ़ा। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेचुरल का ही उठा लो, मैं पहला क्वेश्चन भी तुम्हें करा देता हूं। जैसे नेचुरल के लिए मैंने डिफाइन कर दी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भैया वापिस भी तो नेचुरली मिलेगा, नेचुरल डालोगे नेचुरल मिल जाएगा, तो मिल तो गई मेरे को। और ये मैपिंग वन वन भी है, एक ऑब्जेक्ट की एक 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 मेरे को एलिमेंट की एक इमेज मिलने वाली है, वो भी यूनिक इमेज, तो वन वन है। क्या भैया ऑन टू भी है? सारे इमेजेस की प्री इमेज मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी यार, तो ऑन टू भी है। दिस इज वन वन एंड ऑन टू। ये तो मैंने ओरली करा दिया, क्योंकि भैया मेरे को पता ही है यार, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स की पावर वन 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 ऑन टू तो होता ही है। और मैंने जब रिलेशन फंक्शन की वीडियो कराई थी, सबसे पहला मैंने यहां पर तुम्हें लेक्चर दिया था, भाषण दिया था, तब मैंने तुम्हें बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन एक्चुअल में होता क्या, वो सारी चीजें बता रखी हैं मैं तुम्हें। बट ठीक है, नहीं भी याद है तो देखो मैंने करा दिया। पहला क्वेश्चन वो भी गया, इसका मतलब दिस इज करेक्ट, नेचुरल इज सिमिलर टू नेचुरल। भैया ये तो आपने एक सेकंड में ही क्वेश्चन करा दिया। हाँ
तो इसके लिए भैया हमें पता होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन और दूसरी कंडीशन क्या है 1-1-1-2, याद रखना। दूसरी प्रॉपर्टी भी मैं प्रूव करा सकता हूं, तो पहला क्वेश्चन भी कर लिया, देखो बात तो बातों में। तो ए इज सिमिलर टू बी, ए इज सिमिलर टू बी, देन विच इंप्लाइज बी इज सिमिलर टू ए। तो भैया बड़ी ऑब्वियस ही नहीं हो गई प्रॉपर्टी, अगर ए सिमिलर बी के है या आपने बता दिया मैं ए बी के सिमिलर है, तो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर पाऊंगा एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट दिस एफ इज 1-1 and 1-2। भैया 1-1 and 1-2 का मतलब ये नहीं होता कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। हाँ भैया बाइजेक्टिव होता तो उसे क्या कहना चाह रहे हो भैया? बाइजेक्टिव जब आपने हमें रिलेशन फंक्शन वाली वीडियो बताई थी, आपने कहा था जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वो इन्वर्टेबल भी होता है। इन्वर्टेबल का मतलब उसका इन्वर्स भी भैया एग्जिस्ट करेगा। अच्छा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल भैया आपने तो बताया था 1-1 on 2 का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो मैं एक जी फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं सच दैट दिस इज इक्वल, इसका रिवर्स हो जाए। तो ये होता है इन्वर्स फंक्शन, जी इज इन्वर्स ऑफ एफ। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है? अगर किसी को भी कोई दिक्कत आ रही हो तो भैया प्लेलिस्ट चेक कर लेना, तुम्हारे लिए एकदम सुंदर से प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में सारी चीजें वहां पे बताई हुई है कि जी अगर मान लो एफ हमारे पास होता 1-1 on 2 तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब वो इन्वर्टेबल होता है। इनवर्स कुछ ऐसा होता है जिसमें उल्टा हो जाए, स्विप कर दो, ठीक है भैया? दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई, क्या मतलब अगर ए बी के लिए मेरे को एक मैपिंग मिल रही है तो बी ए के लिए भी मिल जाएगी जी सच दैट जी इज 1-1 and 1-2। ये जो जी होगा ये भी कैसा होगा 1-1 and 1-2, मतलब बाइजेक्टिव। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई कि अगर ए बी के सिमिलर है तो बी ए के भी सिमिलर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव करके दिखाओ तो भैया मजा आ जाए। चलो आ जाओ, देते हैं मजे, मतलब लेते हैं मजे। ए बी के सिमिलर है इसका मतलब क्या हुआ? ए बी के सिमिलर है, बी सी के सिमिलर है तो इंप्लाइज ए सी के भी सिमिलर होगा, यही कहना चाह रहे हैं हम। लेट्स सी, ये वाली साइड लेके चलते हैं। ए बी के सिमिलर है मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एफ एक फंक्शन मुझे मिल चुका है फ्रॉम ए टू बी such that it is bijective, bijective मतलब 1-1 and 1-2। अरे सिमिलर की कंडीशन ही होती है यार, bijection डिफाइन दोनों के बीच में, bijection मतलब 1-1 and 1-2। क्या बहुत ज्यादा फास्ट लग रहा है जो मैं करा रहा हूं या फिर पूरी वीडियो देखते आयो स्टार्टिंग से? देखते आयो तो मजा बहुत आ रहा होगा। सिमिलर की भैया सिमिलर की डेफिनेशन यही होती है, अगर ये दोनों सिमिलर है, एक फंक्शन है जो मैं इनके बीच में डिफाइन कर पा रहा हूं, तो वो क्या होगा 1-1 and 1-2, मतलब bijective। तो ये जी फंक्शन इनके लिए भी तो हो गया क्या ये भैया? भैया जी वो जो आपने एफ इनवर्स लिखा था, अरे नहीं वो नहीं है ये, इस बार जो जी न्यू मैपिंग है इन दोनों के बीच की, तो ये आएगी बी से लेके सी तक, बी से लेके कहां तक आएगी सी तक, और ये भी क्या होने वाली है 1-1 and 1-2। अब ये भी 1-1 on 2 है, ये भी 1-1 on 2 है, क्या कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे? हाँ भैया आपने कंपोजिट फंक्शन के बारे में भी हमें बताया था, देखो सॉरी आप देखो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में अगर तुम बड़ी ध्यान से देखो ना तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था। इसकी कोडोमेन और इसकी डोमेन सेम होनी चाहिए तभी फोग मतलब कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ कंपोजिट फंक्शन की भी बात की थी मैंने रिलेशन एंड फंक्शन में, काफी सारी चीजें मैं वहां से यूज कर रहा हूं यार। सो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम वहां से वो वीडियो देख ले, ठीक है? सो मैं बताना चाह रहा था कि इसमें क्या हो जाएगा, फोग फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, इन दोनों को कैंसिल कर दो, याद रहेगा ए से सी तक एंड सच दैट दिस इज ऑल्सो। ये मैं बता चुका हूं कि अगर दो ऑन टू फंक्शन लो, दो बाइजेक्टिव फंक्शन लो, तो उनकी कंपोजिट फंक्शन जो होगा वो भी क्या होती है बाइजेक्टिव। ये भी मैं चीजें बता चुका हूं यार तुम्हें, सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं मैं पहले। तो ये भी डिफाइन हो गई, देखो ए बी के सिमिलर है, बी सी के सिमिलर है, तो ए सी के सिमिलर होगा, प्रूफ कर दिया। बढ़िया भैया तो मजा आ गया, और प्रूफ में ऐसी कोई प्रूफ वाली चीज भी नहीं लगी, ये तो हमने हंसते खेलते बातें मारते हुए कर लिया, ठीक है चले आगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास था नेचुरली सिमिलर टू नेचुरल, क्या ये सही है या गलत है तुम मुझे बताओ, क्या ये सही है या गलत है? नेचुरल इज सिमिलर टू नेचुरल, तुम कहोगे हाँ भैया सही है, अभी अभी तो आपने इतना लंबा चौड़ा प्रूफ दे दिया हमें। तो पहला क्वेश्चन अपने पास था नेचुरल इज सिमिलर टू नेचुरल, दिस इज ट्रू क्योंकि मैं एक मैपिंग डिफाइन कर पाऊंगा, तो इसका प्रूफ लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं है, बट ठीक है। मैं एक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिफाइन करूंगा सच दैट इट इज 1-1 and 1-2। मैं चाहता हूं इसको 1-1 on 2 तुम प्रूव करके दिखाओ, और 1-1 कैसे प्रूव करते हैं, 1-2 कैसे प्रूव करते हैं मेरे ख्याल से तुम्हें पता हो। सिंपल क्या करो, एफ एक्स वन दो इमेजेस सेम ले लो, एफ एक्स वन का क्या आएगा हमारे पास एक्स वन, इसकी इमेज मिलेगी एक्स वन, इसकी इमेज मिलेगी एक्स टू, यहां पर हमारे पास इक्वल आ गया, इसका मतलब 1-1 है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो भैया, समझ नहीं आई, सिर्फ ऊपर से चली गई, बताते हैं आ जाओ। दो इमेज इक्वली, दो इमेज तभी इक्वल होंगी जब वो एलिमेंट भी क्या होंगे इक्वल होंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो 1-1 होगा। उन टू के लिए भैया उल्टा होता है कि अगर सारे के सारे हमारे पास
ऑन टू के लिए हमारे पास क्या होता है, हर एक इमेज की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए जो कि दिख ही रहा हमें, तो मतलब वन वन भी है ऑन टू भी, हर एक इमेज के लिए मेरे को एक यूनिक इमेज यूनिक प्री इमेज मेरे को मिल जाने वाली है, यूनिक प्री इमेज मिलने वाली है। भैया देख लो खुद से, अगर मान लो यहां पर वन आ रहा है तो यहां पर भी एक स्पेसिफिक नंबर आएगा और पक्का मिलेगा तुम्हें यहां पर एक नंबर, ठीक है। तो एन एन इज सिमिलर टू एन, दूसरा बताओ ये नेचुरल इज सिमिलर टू के टाइम्स एन, ये बताओ जरा ये प्रूव कर सकते हो क्या। पहले मेरे को बताओ मैपिंग कौन सी डिफाइन करने वाले हो, मैपिंग भैया मैं इस बार डिफाइन, इसका आंसर भी आएगा यस। मैपिंग कौन सी डिफाइन करने वाले हो भैया, इस बार कुछ ऐसे फंक्शन में डिफाइन करने वाला हूं फ्रॉम नेचुरल टू, सॉरी इसमें भी सिमिलर लगा दिया मैंने, नेचुरल टू के टाइम्स एन, और फंक्शन में ऐसे डिफाइन करने वाला हूं सच दैट एफ में एक्स डालोगे गिवन बाय इसमें भी भैया ऐसे ही लिख सकते थे तुम, बट ठीक है इसको भी ऐसे लिख सकते थे, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय दिस, ठीक है गिवन बाय एफ ऑफ एक्स डालोगे तो मिलेगा क्या के एक्स। फिर से प्रूफ कर लो यार, वन वन प्रूफ करना तो बड़ा आसान है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और यहां से कह सकते हैं के टाइम्स एक्स वन, इसमें एक्स वन डालोगे तो के टाइम्स एक्स वन, यहां आ जाएगा के टाइम्स एक्स टू, के से के कट जाएगा तो इमेज सेम है, मेरा मतलब है ऑब्जेक्ट सेम है, मतलब सेम इमेज लोगे तो उससे क्या मिल रहा है मुझे, मतलब वो एलिमेंट भी सेम ही था, इसका मतलब वन वन है हर एक एलिमेंट, अगर इमेज सेम मिल रही है इसका मतलब एलिमेंट भी क्या थे सेम थे, तो मतलब वन वन है भैया, ठीक है मैं मान लेते हैं आपकी वन वन तो है। आप ऑन टू कैसे प्रूव करने वाले हो, तो ऑन टू मैं ऐसे प्रूव करने वाला हूं फॉर ऑल के एक्स वन बिलोंग्स टू के टाइम्स नेचुरल नंबर, ध्यान से देखना ये एलिमेंट कहां से मिलेंगे मेरे को भैया, ये यहीं से ही मिलेंगे, इसको के एक्स वन भी लिख सकते हो या के एक्स भी लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, भैया ये एक्स लिख पे के एक्स बिलोंग्स टू के एन, के एन क्या है भैया यहां की कोडोमेन, कोडोमेन मेरे को यहां से के एक्स इसमें बिलोंग होंगे, हर एक के एन के लिए के एक्स के लिए मेरे को एक एक्स मिलने वाला है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स मेरे को क्या मिलेगा के टाइम्स एक्स, यहां से देख सकते हो मतलब भैया आप ये कहना चाह रहे हो हर एक इमेज की एक प्री इमेज मिलने वाली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही हम कहना चाह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑन टू, तो ऑन टू भी प्रूव हो गया, वन वन भी प्रूव हो गया, मतलब मैपिंग क्या है बाइजेक्ट। मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ गई होगी, किसी को ये नहीं समझ आई है तो दिस इज द वे टू प्रूव ऑन टू, हर एक के एक्स के लिए मेरे को सारे के सारे के एक्स के लिए एक एक्स एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के ऑफ एक्स, हर एक एक्स कोई एक्स छूटने नहीं वाला है इसमें, तो वन टू वन मैपिंग है, मतलब यहां पे अगर तुम एक नेचुरल नंबर का सेट ले आओ भैया ऐसे फील भी तो कराओ ना इंप्रूव को, अगर यहां पे तुम नेचुरल नंबर का सेट ले आओ, यहां कैसे एलिमेंट आने वाले के टू के थ्री के फोर के फाइव के अप टू सोन चलता जाएगा, यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अप टू सोन, ये देखो वन वन पे मैप हो रहा है, देखो बिल्कुल सही वाली मैपिंग है यार, टू टू पे मैप हो रहा है, थ्री थ्री पे मैप हो रहा है, फोर फोर पे मैप हो रहा है, फाइव फाइव के पे मैप हो रहा है, मतलब इन पे वन 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 टू वन मैपिंग तो दिख रही है हमें, क्या भैया इसमें ऑन टू भी है क्या, हर एक इमेज के लिए क्या पीछे प्री इमेज मिल रही है, हाँ भैया मिल रही है दिख ही रहा है वो तो यहां से, लेकिन हमें प्रूफ भी तो करना था, प्रूफ हमने यहां पर कर लिया बेटा, ये वाला जो मैंने ऑन टू वाला प्रूफ कराया ना, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस, ऐसे ही करते हैं ऑन टू को प्रूफ, अब हम थोड़े बड़े हो गए ना ऐसे करने वाले, समझे पक्का समझ गए, चलो तुम्हारे सामने वन टू वन मैपिंग मैंने तुम्हें दिखा भी दिया, क्या भैया अब क्वेश्चन आता है, क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी तक का आने वाला है, क्या नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू इंटीजर्स, नहीं भैया नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इंटीजर तो बहुत बड़े होते हैं, उनमें नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, और नेचुरल में तो सिर्फ पॉजिटिव होता है, मैं नहीं मानूंगा, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा तुम मत मानो, क्या नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू इंटीजर्स, यस आंसर इज, मतलब एक फंक्शन पक्का एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम नेचुरल टू इंटीजर गिवन बाय फंक्शन, ही तो सोचना है। सो हम यहां पे मैपिंग डिफाइन करने वाले हैं एफ ऑफ एक्स एक्स बाय टू माइनस एक्स माइनस वन बाय टू, एक्स बाय टू कब होगा व्हेन एक्स इज इवन,
एक्स ऑड। ये भैया तुमने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ी भी होगी, नहीं भी पढ़ी तो यहां पढ़ लेते हैं। क्या भैया हमें प्रूफ क्या करना है, यहां पे प्रूफ ये करना है, तुम्हें फील करा दूंगा प्रूफ, देखना तुम्हें लगेगा जब नेचुरल इंफिनिटी बताएंगे भैया पक्का इंटीजर में इंफिनिटी बताएंगे, अभी देखना अभी प्रूफ करा दूंगा, अगर तुम्हें नहीं भी विश्वास हो रहा होगा तुम अभी भी सोच रहे होगे नहीं भैया अभी भी मैं नहीं मान रहा, इंटीजर ज्यादा बड़ा होता है और नेचुरल बहुत कम होता है। अभी दिखाते हैं वन टू वन मैपिंग करा के दिखाएंगे तुम्हें। तो टू प्रूफ में हमें क्या लिखना है यहां पे, एक सेकंड भैया मैंने ना यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहां माइनस आता है ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना माइनस यहां पे। टू प्रूफ क्या है, एफ इज वन 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 टू वन एंड ओन टू, एफ इज वन वन एंड ओन टू, लेट सी क्या होने वाला है। मैं पहले ना थोड़े से नेचुरल नंबर लिख देता हूं, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, और मजा ना आए ना तो तुम्हारा भाई ने चीजें कराता नहीं है ना। तो यहां सेंटर में क्या देगा, जीरो ऊपर आ जाएंगे फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव, या ऊपर नेगेटिव ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं नेगेटिव वन नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री नेगेटिव फोर अप टू सोन, नीचे ले लेते हैं वन टू थ्री फोर अप टू सोन, ठीक है ये मान लेते हैं, बड़े हो आप आपके मान लेते हैं। वन इज एन ऑड नंबर बता दो, वन माइनस वन जीरो तो खत्म भैया, वन आ जाएगा जीरो पे, और ये भी इन्फाइनाइट है और ये नीचे से नीचे इन्फाइनाइट होने वाले, ये चीज को ध्यान रखा रखना ठीक है भैया मान लेते हैं। टू डालना, अगर टू डालेंगे तो भैया टू अपॉन टू होता है माइनस वन, अरे टू अपॉन टू डालोगे तो माइनस वन होगा ना, इवन है टू तो ये आ जाएगा माइनस वन। थ्री डालो भैया, हमने थ्री यहां पर डाला, थ्री माइनस वन होता है टू, टू अपॉन टू कितना हो गया वन, देखो भैया ये तो यार वन टू वन मैपिंग हो गई, हम तो गलत से प्रूव हो रहे, कहा था तुमने भाई पे विश्वास नहीं ना कर रहा था तुमने। अब तुम डालो चार, चार डालेंगे भैया चार इवन है तो इसमें डाले चार अपॉन दो, दो माइनस के दो आ जाएगा तो माइनस के दो, ये तो सिंपल डाल लोगे ना यार उसमें वैल्यू इवन ओड। पांच डालो, पांच डालेंगे तो पांच माइनस एक चार, चार अपॉन दो, दो, फिर ये छह किस पे आएगा माइनस तीन पे, सात किस पे आएगा सात आएगा तीन पे, सात डालोगे तो कितना है हाँ सात ओड है ना, ओड डालोगे सेवन माइनस वन सिक्स, सिक्स अपॉन टू थ्री, एट किस पे आएगा माइनस फोर पे, और नाइन किस पे आएगा फोर पे, नाइन माइनस वन एट क्योंकि नाइन ओड नंबर है, नाइन इसमें डाला नाइन माइनस वन फोर, फोर अपॉन टू टू, टेन किस पे आएगा लास्ट, टेन के लिए बचा ही नहीं माइनस फाइव एक डाल देता हूं ऐसे, या इसको ही रब कर देता हूं, नौ तक मान लो हमने कर लिया। अब तो खुद सोचा है सारे नंबर मिल रहे हैं, देखो वन टू वन मैपिंग भी हो गई और देखो कोई भी यूनिक है सारे के सारे, और सबके लिए मेरे को पीछे इमेज भी मिल रही है, खुद सोच के देख लो मेरे को यहां पे एक यूनिक इमेज मिल रही है, मतलब वन टू वन तो भैया है वन टू वन है, वन टू वन पे टिक लगा देते हैं ओन टू, क्या सारे इमेज के लिए प्री इमेज मिल रही है और वो भी बढ़िया वाली इमेज, बढ़िया वाली इमेज मतलब सारों के लिए मेरे को मिल रही है एक इमेज, हाँ भैया वो भी मिल रही है तो मतलब भैया ओन टू भी हो गया, सबके लिए इमेज भी मिल रही है और सारी इमेज के लिए प्री इमेज भी मिल रही है, इसका मतलब ये कैसे होगा दोनों पर टिक, तो इसका मतलब हो गया सिमिलर, इसका मतलब हो गया बाइजेक्टिव। अरे वाह भैया ये तो आज आपने बढ़िया चीज सिखा दी, कहा था ना फील कर लोगे, सोचो अगर ये इन्फिनिटी पे जाएगा ये भी तो इन्फिनिटी पे जाएगा तो साथ में इन्फिनिटी पे जाने वाले वन टू वन मैपिंग है, ये बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा, वन टू वन मैपिंग है इसके पास, ऑल्दो ये नौ तक गया ये इतना बड़ा हो गया लेकिन वन टू वन मैपिंग है दोनों में सिमिलर है, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा एज दिस अप्रोच एज एज दिस अप्रोच इज टू इन्फिनिटी, इसको भी इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा सिमिलर सिमिलर सेट। देखो वन वन एंड वन टू वन मैपिंग करके दिखाइए तुम। अब तुम्हें से अब मैं तुमसे पूछता हूं क्या नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू होल नंबर, हाँ भैया इसके लिए तो फंक्शन हम ही डिफाइन कर देंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये तो हम ही प्रूव कर देंगे भैया, ये लो हो गया तो सामने लिखा था नेचुरल नंबर वन डाल के देखना तो यहां जीरो आ जाएगा, लो जीरो से स्टार्ट हो गए, टू डालोगे वन आ जाएगा, थ्री डालोगे टू आ जाएगा, बढ़िया एकदम, ये भी हो गया भैया अपने पास सिमिलर, बढ़िया यार ये तो ईजी हो रही है चीजें है ना। अब आगे चलते, आगे मैं तुम्हें एक और चीज बताने वाला हूं जिसका नाम है भैया n इज सिमिलर टू, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, n इज सिमिलर टू n क्रॉस n, n इज सिमिलर टू n क्रॉस n, भैया ये n क्रॉस n होते क्या है ये बताना जरा, n क्रॉस n होता है भैया ऑर्डर पे, ठीक ऑर्डर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डाल लेना, एक
और तुम्हें मैंने बात बताई थी जब मैं करा रहा था कैंटस थ्योरम, मैंने तुम्हें कैंटस थ्योरम से पहले वाली लेक्चर में तुम्हें जब करा रहा था सिमिलर सेट, उसमें मैंने बताया था फाइनाइट सेट उन्हें भी कहते हैं, काउंटेबली फाइनाइट उन्हें भी कहते हैं जिनको मैं लेबल कर सकूं बाय नेचुरल नंबर्स। याद करो मैंने कराई है, रजिस्टर को पलट के देखो जहां पर भी नोट्स बना रहे हो, पलट के देखो, ये मैंने बात लिखवाई थी तुम्हें, लिखवाई थी, मैंने गारंटी दे सकता हूं लिखवाई। तो इसका मतलब यहां पे मैं यूज करने वाला हूं कैंटर्स डायगोनल प्रोसेस। भैया वो क्या होता है कैंटर्स डायगोनल प्रोसेस, आ जाओ साथ में दिखाते हैं कैंटर्स डायगोनल प्रोसेस। अरे कुछ भी नहीं है, न्यू चीज नहीं है, बिल्कुल सेम है। एक काम करो इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाने स्टार्ट करो। भैया हम बना सकते हैं इसके ऑर्डर्ड पेयर, पहले वन को फिक्स कर दो बाकी चेंज करते रहो। तो वन टू वन वन, वन टू वन थ्री, वन फोर अप टू सोन इंफिनिटी तक चला जाएगा, वन कोमा इंफिनिटी, नीचे फिर टू वन टू 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 थ्री टू फोर। थोड़े से लिख लेते हैं भैया, मैं बताने वाला हूं क्योंकि कोई चीज ऐसे हम लिख सकते हैं टू नहीं थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर अप टू सोन। एक और बना लेते हैं बस, फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर फोर अप टू सोन। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कैंटर्स डायगोनल प्रोसेस हमें क्या कहती है कि तुम चलना स्टार्ट करो, यही है एनक्रोसेन, एनक्रोसेन के सेट में यही आने वाला है, दिस इज एनक्रोसेन का सेट, ऐसे बनाते ना सेट एक बड़ा सा। अब तुम ध्यान से देखो, पहले मैं यहां से चलना स्टार्ट हुआ ऐसे, इसका सम कितना है टू, इसका सम कितना है थ्री। अगर तुम ये वाला यहां से ऐसे शॉर्टकट मार के यहां पर आ जाओगे, ये डायगोनल टाइप ले लोगे, तो यहां पे सम कितना आने वाला है तीन। भैया इनको तो मैं काउंट कर रहा हूं यार, ये तो काउंटेबल जैसी चीज होगी। हाँ बिल्कुल, आ जाओ पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे पे ये है। आगे चलो, इसका सम कितना होने वाला है भैया, इसका सम होने वाला चार, इसका भी सम चार, इसका भी सम चार। भैया इनको तो मैं नेचुरल नंबर से लेबल कर पा रहा हूं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ऐसे। इसका सम होगा पांच 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 पांच, छ छ छ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, छ, फिर सात सात आठ। क्या इनको तो नंबर दे पा रहा हूं यार मैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सिक्सटीन। अच्छा मैं इनको लेबल कर पा रहा हूं नेचुरल नंबर से, अरे वाह, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अगर तुम इसको नेचुरल नंबर से लेबल कर पा रहे हो इसका मतलब सिमिलर होने वाला है। दोबारा से सिमिलर क्या होने वाला है नेचुरल नंबर के, नेचुरल नंबर के क्या होने वाला है सिमिलर होने वाला है। सो क्योंकि मैं इसको लेबल कर पा रहा हूं नेचुरल नंबर से, तो मैं कह सकता हूं कि भैया ये वन वन भी है ऑन टू भी है। तो जोन सी भी चीज को मैं अगर लेबल कर पा रहा हूं नेचुरल नंबर से, काउंट कर पा रहा हूं, तो मैं उनको क्या कहने वाला हूं कि वो हमारे पास क्या होने वाले हैं नेचुरल नंबर के सिमिलर होने वाले, जिनको भी मैं नेचुरल नंबर से लेबल कर पाऊंगा। देखो इसको कर दिया वन टू थ्री फोर फोर फाइव सिक्स सेवन अप टू सोन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आने वाला है जो मैंने तुम्हें एक और क्वेश्चन दिया है, विच इज एन इज सिमिलर टू। मैं इसका प्रूफ थोड़ा अजीब सा नहीं, थोड़ा इंटरेस्टिंग कराऊंगा, जो हमने सोचा भी नहीं होगा वैसे प्रूफ कराने वाला। पूरा ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे डाल के भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। ऐसा नहीं कि कोई पहाड़ ही टूट जाएगा कि अगर तुम ऐसे प्रूफ करोगे तो, बस मैं तुम्हें एक 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 अलग तरीके से प्रूफ कराने वाला हूं। क्या तुम्हें यह पता है इंटीजर नेचुरली सिमिलर टू इंटीजर, क्या ये पता थी बात? भैया अभी आपने चार मिनट पहले ये चीज कराई हमें। अच्छा क्या इससे तुम कह सकते हो इंटीजर इज सिमिलर टू नेचुरल नंबर? हाँ भैया, अभी अपने आपने स्टार्टिंग में आते भाषण तो दिया था कि भैया अगर ए बी के सिमिलर है तो बी ए के सिमिलर होगा, और आपने प्रूफ भी हमें करके दिखाया था, तो ये तो बात अच्छी है यार। अच्छा एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, यहां पे अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम ये नहीं कह सकते क्या, अगर जेड नेचुरल नंबर के सिमिलर है देन जेड क्रॉस जेड क्या होगा, नेचुरल क्रॉस नेचुरल के सिमिलर, तो ऑब्वियस सी बात थी। अरे भैया इसके ऑर्डर्ड पेयर किससे सिमिलर होंगे? जेड क्रॉस जेड से सिमिलर होंगे, खुद सोच के देख। अगर नेचुरल सिमिलर है Z के, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर, इसके ऑर्डर्ड पेयर के सिमिलर होंगे। अबे भैया बने तो नेचुरल नंबर्स ही ऑर्डर्ड पेयर, और इसके ऑर्डर्ड पेयर किससे बने हैं? Z से बने हैं। लेकिन एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना जरा।
तुम्हें अभी अभी प्रूव नहीं करा, बट वी नो दैट, वी नो दैट कि नेचुरल नंबर के सिमिलर होते हैं ऑर्डर्ड पेयर उसके, यहां से देखो प्रूव करा दिया। अगर नेचुरल नंबर के सिमिलर होते हैं, अब खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो, ए इज सिमिलर टू बी, बी इज सिमिलर टू सी, देन ए इज सिमिलर टू सी, आएगी थर्ड प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब विच इंप्लाइज एन इज सिमिलर टू जेड क्रॉस जेड। मैंने तीनों प्रॉपर्टी यूज कर ली, पहली प्रॉपर्टी ये यूज कर ली इक्विवेलेंस की, मैं यहां नहीं यूज करी, यहां यूज कर ली पहली प्रॉपर्टी यहां यूज, अरे यार दूसरी प्रॉपर्टी यहां यूज कर ली, ए सिमिलर टू बी, तो बी सिमिलर टू ए, पहली यहां यूज कर ली, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने यहां यूज कर ली, सॉरी दूसरी नहीं से कहते, तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी मैंने यहां यूज कर ली कि इफ ए सिमिलर टू बी, बी सिमिलर टू सी, देन ए सिमिलर टू सी। मैं एक और बार समराइज कर सकता हूं, अगर इंटीजर नेचुरल नंबर के सिमिलर है तो इंटीजर के ऑर्डर्ड पेयर नेचुरल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर के सिमिलर होने चाहिए, ठीक है भैया मान लेते हैं आपकी। अगर अभी अभी हमने क्या किया था, नेचुरल नंबर के जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ऑर्डर्ड पेयर सिमिलर होते हैं नेचुरल नंबर के, मान लेते हैं भैया आपकी। अगर नेचुरल नंबर ए इज सिमिलर टू बी, बी इज सिमिलर टू सी, देन ए इज सिमिलर टू सी, ये लिख दिया मैंने, ये कहां से आया, यह आया भैया थर्ड प्रॉपर्टी से जो आपने इक्विवेलेंस रिलेशन की हमें कराई है, तो हमने प्रूव कर दी नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स। आगे चलते हैं अगले प्रूफ पे, जिसका तुम फिर से इंतजार कर रहे होंगे शायद, जिसका नाम क्या है, नेचुरल इज सिमिलर टू रैशनल्स। भैया ये नहीं हो सकता, आप कोई मैपिंग नहीं ढूंढ पाओगे, तो ढूंढ के दिखाएंगे यार, ऐसी क्या बात कर दी तुम्हें, देखो अभी दिखाता हूं तुम्हें ढूंढ के, नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू सॉरी सिमिलर टू रैशनल्स, रैशनल्स ठीक है, इसको करके दिखा देते हैं, आंसर इज यस होंगे ये सिमिलर। अब इसके लिए मैपिंग कैसे डिफाइन करते, पहले ये बताओ इंटीजर्स को लिखते कैसे, भैया इसको ऐसे ही देखा हमने, पी बाई क्यू सच दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तुमको भाई ये क्या बात हुई भैया, हाँ अबे किसी एक को नेगेटिव कर दो, दूसरा तो पॉजिटिव ही रहेगा, नहीं समझे, नीचे वाला चाहे पॉजिटिव भी हो जाए नेचुरल नंबर मतलब जीरो तो हटाएगी, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, लो भैया मैंने और काम रिड्यूस कर दिया, p बिलोंग्स टू इंटीजर्स, लो नेगेटिव नंबर भी आ गए, तुम्हें पता ना रैशनल नेगेटिव भी हो सकता है, लो नेगेटिव भी आ गया, और साथ ही साथ q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो भैया नीचे तुम नेचुरल डालते रहो, नेगेटिव चाहिए तो ऊपर ले आओ नेगेटिव, तुम्हें माइनस थ्री बाय टू लिखना है, अबे भैया उसे थ्री बाय माइनस टू लिखो या माइनस थ्री बाय टू लिखो एक ही बात होती है, तो तुम नीचे नेचुरल से ले आओ, ऊपर कहां से ले आओ, ऊपर ले आओ तुम इंटीजर्स से। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और इसको मैं ये लिखने वाला हूं, मेरे ख्याल से तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एक सेकंड रुको यार, मेरे को ना ये मैपिंग थोड़ी ऐसे बढ़िया नहीं लग रही, मैं इसको ऐसे लिखने वाला, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सच दैट पी बिलोंग्स टू इंटीजर्स क्यू बिलोंग्स टू, अरे लिखने का तरीका है यार, मैंने यहां पर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया, यहां पर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लिया, भैया हम नहीं मानते, आप इसको पूरा प्रूफ करके दिखाओ, ऐसे कैसे आप हवा में लिख रहे हो चीजें, हम तो नहीं मानेंगे आपकी कि आप इसको ऐसे डिफाइन कर दो, नहीं मानोगे क्या, पक्का, लो फिर मैपिंग डिफाइन कर देते हैं, एफ पी बाई क्यू सच दैट मिलेगा क्या पी कोमा क्यू, ये तो भैया कैसे ऑब्वियस सी मैपिंग आपने ड्रॉ कर दी, हो तो नहीं है, चाहे ऑब्वियस है, तुम पी बाई क्यू डालो तुम्हें ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा, और ये 1112 है, करके देख लो भैया, तुम्हें सारे के सारे पी बाई क्यू के लिए एक पर्टिकुलर एक यूनिक ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा, यूनिक ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा, साथ ही साथ हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए प्री इमेज मेरे को एग्जिस्ट मिलेगी, तो यहां पे आएगा 11 एंड 12, इसके प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है यार, चाहे तो तुम करके भी देख लो, यहां 1/2 लिखो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मिल नहीं जाएगा 1.2, इसका बस इस फॉर्म में लिख दिया, जैसे तुम कहोगे -3/11 3/11 तो इसको ऐसे लिख दो -3/11, इंटीजर वाले पहले लिख दो बाद में लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे -3/11 लिख दो यार, 3 -3, -11 लिख दो, है तो -3/11 ही, 4/12 लिख दो तो याद आएगा 4/12, लो भैया मिल तो रहे 1-to-1 मैपिंग है, और हर इमेज के लिए एक मेरे को प्री इमेज भी मिलेगी, वरना एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ये, तो है ना, तो इसका मतलब 1112 है भैया, मेरे को एक फंक्शन मिल गया इसके लिए, तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे थोड़ी हवा में थोड़ी लिखा, मैं ऐसे थोड़ी उठा के इसको लिख दिया, बहुत जगह देखा यार मैंने,
ऐसे उठा के लिख देते हैं। मैंने बहुत सारी बुक्स में देखा यहां से उठा के कहते हैं कि दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस। भाई क्यों भाई, ऐसे थोड़ी ऐसे उठा के लिख दिया। यहां पे आते हैं फिर एक चीज जिसे कहते हैं मैपिंग। मैपिंग डिफाइन करो यार, हम तो तब मानेंगे, हमें तो सेटिस्फाइंग आंसर चाहिए। ऐसे थोड़ी ऐसे उठा के लिख दिया मैपिंग। मैंने पूरी मैपिंग डिफाइन करके तुम्हें बताया कि भैया मैपिंग ये वाली डिफाइन करोगे तब जाके। और ये मैपिंग भी कैसी है, 1 1 on 2 1 1 on 2 है, तो मतलब ये और ये क्या होने वाले हैं, आपस में सिमिलर होने वाले हैं। लेट अस से दिस इज क्यू डैश, क्यू डैश इसको क्यू ही बोल लो, है तो वो रसल नंबर का ही लिखने का तरीका। तो मतलब क्यू इज सिमिलर टू क्यू हो गया। मैपिंग हमने डिफाइन कर दिया यहां, मैपिंग हमने यहां पर डिफाइन कर दी। ऐसे भी लिख लो यार क्यू इज सिमिलर टू क्यू डैश, लेट अस से दिस इज क्यू डैश। इसको ऐसे भी लिख सकते हो f फ्रॉम q टू क्यू टू क्यू डैश गिवन बाय f ऑफ p बाय q इक्वल टू p कॉमा d। ऐसे भी लिख लो, जैसे मर्जी लिखने का तरीका। और ये दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, चलो बढ़िया एकदम। अब भैया वो तो प्रूव कराओ जो प्रूव कराना चाहते हो कि नेचुरल नंबर के होगा भी या नहीं नेचुरल नंबर के। चलो आ जाओ बताते हैं। तुम्हें नहीं लग रहा कि अगर मैं मैपिंग अगर मैं ऐसे लिखूं क्यू जो है वो सिमिलर होने वाला है जेड क्रॉस एन, ऐसा क्यों भैया? खुद सोचो, क्यू में ऑर्डर्ड पेयर कैसे मिल रहे हैं पी क्रॉस एन के। भैया ये पी क्या है, ये पी है भैया इंटीजर, और ये क्यू क्या है नेचुरल नंबर। तो भैया क्यू सिमिलर हो गया जेड क्रॉस एन के। अभी 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 नेचुरल वो नहीं कराया तुम्हें मैंने, n is similar to n cross n, वही वाली तो चीज यहां पे यूज कर ली। यहां पे ऑर्डर्ड पेयर कैसे थे, यहां पे ऐसे थे p कोमा q, लेकिन यहां पे p और q दोनों किससे मिल रहे थे नेचुरल नंबर से ही मिल रहे थे, जिसको मैंने ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिखा था। अबे भैया ऑर्डर्ड पेयर लिखने का तो तरीका है ये भी, p कोमा q ही तो मिलते हैं वहां से, नहीं समझ पा रहे? तो उसका मतलब यहां से भी हमने जो p कोमा q है, जो मैंने ये p कोमा q डिफाइन करा है, तो ये भैया किसके प्रोपोर्शनल होने, अब ये किसके सिमिलर होने वाले z क्रॉस n के, किसके सिमिलर होने वाले z क्रॉस n के। अब ध्यान से देखना, मैं बहुत बढ़िया चीज यूज करने वाला हूं, ये z क्रॉस n के प्रोपोर्शनल होने वाले, पक्का समझ गए? यहां पे एक छोटी सी चीज यूज करना चाहूंगा यार, छोटी सी चीज। क्या तुम्हें पता z की हमारे पास कार्डिनलिटी कितनी होती है? z की कार्डिनलिटी तो भैया आपने लास्ट टाइम में बताई थी, और n की बताई थी, सॉरी n की कार्डिनलिटी आपने कितनी बताई थी, n की कार्डिनलिटी आपने बताई थी एलिफ नोट। एन किसके सिमिलर है जेड के, तो जेड की भी कार्डिनलिटी कितनी होने वाली है एलिफ नोट। अच्छा इसकी भी एलिफ नोट, इसकी भी एलिफ नोट, तो इन दोनों की एलिफ नोट होनी चाहिए, ये भी एलिफ नोट और ये भी एलिफ नोट, तो मिलके क्या बन गए एलिफ नोट का स्क्वायर। विच इज, ये मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा कि एलिफ नोट का अगर तुम स्क्वायर भी कर दोगे तो हमारे पास तब भी कितना मिलता है एलिफ नोट। भैया इस चीज को स्टार लगा लेना, ये नोट कर लेना, ये हमारे लिए एक न्यू चीज आई है कि कभी भी तुम भैया ये ट्रांसफाइनाइट नंबर जो होता है हमारे पास एलिफ नोट, इसका स्क्वायर भी कर दो तो भैया ये अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। जैसे मैंने आइडम पोटेंट नील पोटेंट में ऐसी चीजें नहीं बताई थी, वो मैट्रिक्स का स्क्वायर भी कर दो तो वापस वैसी रहेगी, ऐसी चीज। ऐसे परेशान नहीं होना, अभी रुक जाओ कुछ तो घपला कराएगा तुम्हारा भाई, घपला मतलब कुछ तो यहां से बढ़िया सिखा के जाएगा तुम्हारा भाई। ये हो गया प्रूफ बुक में मिलने वाला। दूसरा प्रूफ देखो, क्यू डैश इज सिमिलर टू जेड क्रॉस एन, बट दिस इज सिमिलर टू एन क्रॉस एन। क्यों भैया ऐसा क्यों बोला आपने? ये मैंने इसलिए बोला है कि भैया ये किसके सिमिलर होने वाला है एन क्रॉस एन, लेकिन एन क्रॉस एन तो सिमिलर होता है भैया एन के, तो इनडायरेक्टली कह नहीं सकते ये इसके सिमिलर है, ये किसके सिमिलर है इसके सिमिलर है, और ये किसके सिमिलर था, ये था क्यू के सिमिलर, यहां से। तो भैया मैंने इतना मुशक्कत करके, इतनी मैंने मेहनत करके यहां तक पहुंच गया कि दिस इज सिमिलर टू दिस। ऐसे भी कर सकते हो, एक तरीका तो ये है एलिफ नोट यूज करके जो बेसिकली हमारे पास बुक्स में दिया होता है, दूसरा ये भी यूज कर सकते हो कि ये जो हमारे पास क्यू डैश आया है दिस इज सिमिलर टू जेड क्रॉस एन, जेड क्रॉस एन क्यों आया क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर भैया मेरे को ऐसे मिल रहे हैं, बट दिस ऑर्डर्ड पेयर का सेट इज प्रोपोर्शनल टू दिस। भैया ये समझ नहीं आ रहा ये क्यों आया यार प्रोपोर्शनल, समझ नहीं आ रहा तो बताते हैं यार क्या परेशान रहते हो। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या, एक सेकंड पहले तुम्हें क्या बताया, नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू दिस, है ना, नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू जेड क्रॉस जेड, और नेचुरल नंबर इज ऑल्सो
सिमिलर टू जेड। तो यहां इन तीनों का कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज ऑल्सो सिमिलर टू एन क्रॉस जेड, एन क्रॉस जेड। लेकिन भैया यहां से आप कैसे प्रूव कर सकते हो, ये वाली प्रॉपर्टी में तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूं यार। कहां पे करें, यही कर लेते हैं, छोटी सी जगह बना लेते हैं। हाँ। देखो नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू नेचुरल मतलब ऑर्डर्ड पेयर की, इसकी कितनी है कार्डिनलिटी, एलिफ नोट। इसकी कितनी है कार्डिनलिटी, एलिफ नोट। इसकी कितनी है कार्डिनलिटी, एलिफ नोट। एलिफ नोट सिमिलर टू एलिफ नोट का स्क्वायर। ये तो भैया वही वाली बात होगी जो आपने कहा था, मतलब इसकी और इसकी कार्डिनलिटी सिमिलर है क्या, दोनों का पोटेंशियल सेम है। हाँ पोटेंशियल सेम का मतलब दोनों की कार्डिनलिटी क्या होने वाली है, इक्वल। भैया सिमिलर का एक और नाम भी अभी तुम्हें आते ही बताया था, इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल का मतलब दोनों की कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम होगी। दोनों की कार्डिनलिटी अगर सेम है, इसका मीनिंग एलिफ नोट इज इक्वल टू एलिफ नोट का स्क्वायर। यहां पर बनी बात, यहां आया वाला एलिफ नोट इज इक्वल टू एलिफ नोट का स्क्वायर क्यों हुआ भैया स्क्वायर, ये वाला प्रूफ तो मैं डाइजेस्ट अब हो रहा है क्योंकि आपने प्रूफ करके दिखाया। ये भी डाइजेस्ट करो यार, ये भी बहुत सुंदर चीज लिख दी है मैंने, ये अपने दिमाग में रख लो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नई चीजें मिलती हैं यार, ये मिल जाएंगे तुम्हें बुक में, वो नहीं मिलेंगी चीजें। इसका प्रूफ मैं और तुम्हें बता सकता हूं कि भैया आप क्यों कह रहे हो दिस इज, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी है। तो यहां पे भी तो एलिफ नोट का स्क्वायर इज सिमिलर टू यही आ रहा है, और यहां भी तो एलिफ नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू यही आ रहा है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होने वाले हैं, ये दोनों भी आपस में क्या होने वाले हैं, सिमिलर होने वाले। अगर ये सिमिलर है एन के, तो रैशनल भी किसके सिमिलर होगा, एन के। लो हो गया प्रूफ, दो प्रूफ कराए तुम्हें, ये वाला तुम्हें यूजुअली देखने को मिल जाएगा, ये भी सेटिस्फाइंग है, ऐसी बात नहीं, ये भी अच्छा प्रूफ है, ये भी सेटिस्फाइंग है। दो प्रूफ है, जिससे भी तुम्हें समझ आता हो उससे समझ लो और मजे करो। अब नेक्स्ट जो प्रूफ आने वाला है कि नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर उसके पावर सेट के सिमिलर होते हैं या नहीं होते हैं, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छा आंसर दूंगा जो तुम सुन के थोड़ा चौंक भी जाओगे। क्या नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू टू रेस टू पावर नेचुरल नंबर, मतलब पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है, टू रेस टू पावर नेचुरल, टू रेस टू पावर नेचुरल, ये होता भैया इसका मुझे। भैया समझ सा नहीं आ रहा है, समझाए इसका आंसर है नो। आंसर कहां मिलेगा, लास्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो। कैंटर्स थ्योरम भैया पूरा ना इसी पे ही प्रूफ है कि पावर सेट ऑफ एनी सेट, एक मिनट रुक जाओ, इसकी मैं बढ़िया से डेफिनेशन बनाता हूं। हाँ, अ मैपिंग, अ बाइजेक्टिव मैपिंग मैपिंग बिटवीन सेट एंड इट्स पावर सेट कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड कैंटर्स थ्योरम। भैया इसका प्रूफ लास्ट वीडियो में प्रूफ ही कराया है, 30-40 मिनट लगा के इसका प्रूफ कराया है, और प्रूफ भी कराया और एक आर्टिफिशियल प्रूफ भी कराया है। आर्टिफिशियल प्रूफ भैया वो क्या होता है, देखो मजा आएगा तुम्हें, इस वीडियो के बाद देखना, अब इसे ही छोड़ के मत भाग जाना कि भैया पहले उसे देखेंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, तो दोबारा कराना तो वेस्टेज ऑफ टाइम होती है, जो कि हम तुम्हारा नहीं करने वाले हैं। क्या नेचुरल इज सिमिलर टू दिस, So, क्या नेचुरल नंबर हमारे पास सिमिलर होने वाले हैं इसके, देन द आंसर इज नो। सोचना भैया इसको क्यों नहीं होंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक मान लो ये है हमारे पास एक इंटरवल, दिस इज सिमिलर टू सी कॉमा डी। कोई भी कैसा भी इंटरवल हो, क्लोज्ड, अभी के लिए क्लोज, वैसे तो अभी बताऊंगा, इन जनरल एक चीज मैं प्रूफ कर देने वाला हूं कि कैसे भी इंटरवल हो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर। और इंटरवल किस टाइप के होते हैं वो भी अभी बताऊंगा, किस टाइप के इंटरवल सिमिलर होते हैं, फिलहाल के लिए ये मेरे सामने। तो इसका आंसर क्या है भैया, यस दे आर सिमिलर, ये मैं तुम्हें दिया है, इसके बारे में सोचना क्यों नहीं होगा अभी, वैसे तो इसका आंसर मिल ही जाने वाला थोड़ी देर में। हाँ तो ये सिमिलर क्यों होने वाला है, इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए भैया मैं यूज करने वाला हूं ज्योमेट्री का, ठीक है।
इसका ज्योमेट्री का यूज करने वाले हैं, तो ज्योमेट्री का यूज कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देख ले। मान लो मैंने ना इन दोनों पॉइंट को ना एक जनरल प्रूफ है, मतलब ऐसे कहीं भी देख लोगे ना ऐसे मिल जाएंगे प्रूफ, ऐसे मैं कुछ न्यू नहीं करा रहा इसमें, बहुत सारी जगह पर देखोगे ऐसे मिल जाएंगे, बुक में देखोगे या फिर कहीं किसी से सीखोगे, तो ऐसा ही प्रूफ कराते, स्टैंडर्ड प्रूफ है इसका। ठीक है, मैंने क्या किया, अगर एक इमेज मेरे को क्या मिल रही है, सी मिल रही है, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम ए बी टू सी डी, लेट अस सी की ये हमें फंक्शन, लेट मी सी की ये दिखाई भी दे रहा है या नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है, ये जो फंक्शन है भैया मैं बोल रहा हूं कि ये 1102 है, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा। एक इमेज क्या मिलेगी, सी मिलेगी कुछ ऐसे, और डी की इमेज क्या मिलेगी, बी की इमेज क्या मिलेगी, डी मिलेगी, ये मिल गया मेरे को। अब सोचो मैंने यहां पे कोई पॉइंट ले लिया लेटर से अल्फा, क्या इस अल्फा की इमेज मेरे को यहां पे मिलेगी, हाँ भैया बिल्कुल मिलेगी, आप कैसी बात है, बिल्कुल मिलेगी इमेज मेरे को, क्यों मिलेगी, क्योंकि भैया स्ट्रेट लाइन है, हर एक पॉइंट की मेरे को इमेज यहां पे मिलती है, कोई भी आप इनपुट डालो आउटपुट आपको मिलेगा, लेकिन यार स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ ना, मतलब इतना ही है तो इक्वेशन बताओ तब माने, तो भैया आप लिख दो 2.4, आपको मतलब बचपन में सीखी होगी हमने, सीखी होगी नहीं, सीखी हमने ए कोमा सी, यहां पर आ जाएगा बी कोमा डी, तो भैया 2.4 हमें आती है, बहुत ही थी वाई माइनस वाई वन और वाई टू माइनस वाई वन, बी माइनस सी अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो बी माइनस ए, और यहां होता था एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है ए, तो देख लो भैया यही आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो यही आ रही है। यहां से मैं वाई को लिख सकता हूं बी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए एक्स माइनस ए, और इस सी को मैं इधर लाके पॉजिटिव बना सकता हूं, इस वाई को लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स, अरे आउटपुट ही तो होता है भाई, अरे वाई को आउटपुट ही तो कहते हैं। लो बना दिया मैंने एक इक्वेशन, लो मैंने बना दिया भैया एक फंक्शन, ये फंक्शन में अगर तुम x की वैल्यू डालोगे तो एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी और एक यूनिक मिलेगी, तो इसका मतलब ये कैसा है, 1 1 है एंड 1 2 भी, देख लो तुम यहीं से देख लो, कोई भी तुम एक वैल्यू ले लो उसके लिए तुम्हें यहां पे मिल जाएगा, कोई भी एक तुम वैल्यू ले लो उसके लिए यहां पे मिल जाएगा। और वैसे भी मैंने बताया भैया जो लीनियर फंक्शन होता है ये हमारे पास 1 1 भी होता है और 1 2 भी होता है, इसको प्रूफ भी करके देख सकते हो यार, 1 1 के लिए वो मैंने बताया ही है, एफ ऑफ एक्स वन डालो एफ ऑफ एक्स टू डालो इक्वल रखो, एक्स वन एक्स टू इक्वल आने चाहिए, देख लो आ रहे कि नहीं आ रहे, मेरे ख्याल से आ जाएंगे, मेरे ख्याल से आ जाएंगे, जब तुम इनको दोनों को इक्वल रखोगे ना, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, ए से ए कैंसिल होगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा, 1 1 होगी मैपिंग, करके देख लेना, मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, आना क्या चाहिए, आना चाहिए एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, भैया इन दोनों इसकी एफ वन एफ एक्स वन की वैल्यू कहां से निकालोगे, यहां से, बस एक्स को एक्स वन से रिप्लेस कर देना, एफ एक्स टू की कहां से निकालोगे, यहीं से निकालोगे, एक्स को एक्स टू से रिप्लेस कर देना, दैट इज इट, हो गया, इतना ही था, तो हो गई भैया, ये तो प्रूव करना था, दिस इज सिमिलर, वो तो भैया सिमिलर मैपिंग, अगर ये वाली हमारे पास ये मैपिंग कहां से बनी, यहीं से तो बनी, अरे भैया यही तो आई एफ एक्स, अरे ये एफ कहां है, ये रहा है, तो ये 1 1 1 2 है, मतलब ये मैपिंग 1 1 1 2 है, 1 1 एंड 1 2 आ गई, इसका मतलब ये कैसा होगा, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि भैया सिमिलर हो गए, तो हो गए सिमिलर प्रूफ, ये तो प्रूफ करने थे, क्यों नहीं समझ पा रहे भैया हम, ये तो प्रूफ करना था, है ना, तो बढ़िया। मैं तुम्हें इसका इन जनरल रिजल्ट लिखवा देता हूं, वैसे मैं तुम्हें एक और प्रूफ देने वाला हूं जिसको तुम सोचना ठीक है, एक प्रूफ मैं तुम्हें देने वाला हूं जो कि है क्या, 0 0 1 ए बी इज सिमिलर टू, अरे यार सी कोमा डी, क्या ये होने वाला है आंसर, मैं बता देता हूं लेकिन प्रूफ तुम करोगे, ऐसे ही प्रूफ करना है, इसमें क्या फर्क होगा भैया, इसमें सी पे सी इंक्लूडेड नहीं है, डी इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका आंसर आने वाला है यस दिस इज स्टिल सिमिलर। तो मैं यहां तुम्हें जनरल एक थ्योरम में लिखवा देता हूं भैया, जिसमें बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए, तो एक चीज लिख लो नोट एनओटी वाला, यहां पर नोट हमारे पास क्या आ जाएगा कि ऑल टाइप ऑफ इंटरवल्स, ऐसे लिख लो एनी टू नॉन ट्रिवियल इंटरवल, ये चीज को ध्यान रखना, नॉन ट्रिवियल होने चाहिए, खाली नहीं होने चाहिए, ठीक है, नॉन ट्रिवियल, वेदर दे आर ओपन नॉन ट्रिवियल इंटरवल्स, वेदर दे आर ओपन, दे आर
ओपन, दे आर ओपन और क्लोज्ड, वेदर दे आर ओपन और क्लोज्ड आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट या फिर सिमिलर, मतलब चाहे ओपन हो चाहे कैसे भी हो वो भैया क्या होने वाले आपस में, वो क्या होने वाले आपस में, सिमिलर होने वाले। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल बताता हूं, ए बी सिमिलर टू, ए बी सिमिलर टू, ए बी और सिमिलर टू ए बी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना भैया, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम तो। सो भैया एक चीज में यहां पे करेक्शन कर देना यार, ये जो ए बी है किसके सिमिलर हमें दिखाना है, इसके सिमिलर दिखाना है, ठीक है। बस एक छोटा सा करेक्शन कर देना, यहां पे मैंने ए बी और यहां पे सी डी लिख दिया था, इसको भी ए बी लिख लो, ये तुम्हें करना। थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन दिया मैंने और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन दिया जिसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे तुम, ठीक है। ए बी किसके सिमिलर प्रूव करना, इस ए बी की, ठीक है। और दूसरा तुम्हें मैं क्वेश्चन अब देने वाला हूं जो ऊपर लिखा था कि ए बी क्या सिमिलर होगा सी डी, ठीक है। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। मैंने दो क्वेश्चन बनाने थे इसमें से, सोच के आया था बट मैंने वो एक ही बना दिया गलती से, तो इतनी गलती तो माफ होती ही है, नहीं भी होती तो भैया वी आई एम वेरी वेरी सॉरी कि हमने एक ही क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख दिया, माफी चाहेंगे हम तुमसे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो मैपिंग आने वाली है वो ये है कि हमारे पास जो आर है सिमिलर क्या होने वाला है वो ए बी के, क्या किसी भी इंटरवल के वो सिमिलर होता है, हां जी आंसर इज यस, यस। प्रूव करके दिखाओ भैया, ऐसे थोड़ी मानेंगे। तो प्रूव करने के लिए भैया मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे एक सेट लेने वाला हूं, एक सेट डिफाइन करने वाला हूं, लेट अस से उसका नाम हमारे पास क्या है ए, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ सेमी सर्कल, ऑन अ सेमी सर्कल, बहुत फेमस सा प्रूफ है इसका, इसलिए मैं यही करा रहा हूं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होना सेमी सर्कल, बस इतना याद रखो। बी इसको मान लेते हैं ए बी को, सी आर को मान लेते हैं। अब एक चीज देखो, अगर ए बी के सिमिलर मैंने प्रूव कर दिया और ए सी के सिमिलर प्रूव कर दिया, तो दिस इंप्लाइज बी इज ऑल्सो सिमिलर टू सी, मतलब मैं पहले इन दोनों को प्रूव करूंगा, फिर इन दोनों को प्रूव करूंगा, और फिर ये आपस में भी इक्विवेलेंट प्रूव हो जाएंगे या फिर सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। और प्रूफ है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, ये है ज्योमेट्री वाला प्रूफ, ध्यान से देखना ज्योमेट्री वाला प्रूफ, तो इसको ध्यान से देखेंगे हम, ठीक है। ये हमारे पास होने वाला है, मैंने कहा कि एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है, और यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी, दिस इज नंबर लाइन, ठीक है। यहां पर मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, ए जो इसके बिल्कुल नीचे आने वाला है, यहां पर ड्रॉ कर लेते ए, और यहां जस्ट इसके नीचे मैंने ड्रॉ कर लिया बी। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत ध्यान से। अब मैं क्लेम क्या कर रहा हूं कि सेमी सर्कल के सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट है उनके साथ इसकी वन वन मैपिंग होने वाली है। क्यों वन वन मैपिंग होने वाली है, तुम कोई भी पॉइंट यहां से सोचो तो इसके लिए मेरे को शेडो नीचे मिलने वाली, हर पॉइंट के लिए यूनिक शेडो मेरे को मिलने वाली, क्योंकि नीचे भी इन्फाइनाइट एलिमेंट्स है और ऊपर भी इन्फाइनाइट एलिमेंट्स है, तो हर किसी के लिए मेरे को एक यूनिक शेडो मिलने वाली। यूनिक शेडो मिल गई, इसका मतलब कैसा है, वन वन भैया, एक एलिमेंट के लिए उसकी अगर एक यूनिक इमेज मिल जाए, एक एलिमेंट के लिए मेरे को एक यूनिक इमेज मिल जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, वन वन है। तो ऊपर से तुम कोई भी एक पॉइंट लो, नीचे की तरफ देखो तो तुम्हें यहां पे एक पॉइंट मिल जाएगा, अगला कोई भी रैंडम पॉइंट देखो उसके लिए मेरे को एक पॉइंट मिल जाएगा, कोई भी रैंडम पॉइंट देखो यहां मिल जाएगा, बहुत पास पास होंगे लेकिन अलग होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें ऊपर एक पॉइंट मिल रहा है नीचे मिल ही नहीं रहा, तो मतलब भैया ये वन वन होगा। क्या हर एक पॉइंट यहां के लिए तुम्हें ऊपर एक पॉइंट मिलेगा, हाँ भैया ये भी मिलेगा। क्या इमेज की प्री इमेज मिलेगी, भैया ये भी मिलने वाली है, तो इसका मतलब वन वन भी है और ऑन टू भी है, वन वन भी है और ऑन टू भी है, इस चीज का ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। हाँ सो आगे चलते हैं भैया, ये तो आपने वन वे प्रूव कर दिया, मतलब ए इज सिमिलर टू बी, इन दोनों को आपने प्रूव कर दिया कि जितने भी सर्कमफेरेंस पे पॉइंट होने वाले हैं एक सर्कल के, वो सारे के सारे वन वन मैपिंग बनाएंगे किसके साथ, ए और बी इंटरवल के साथ। दोबारा मैं डायग्राम बनाना चाहूंगा लेकिन इस बार मैं मैपिंग लेना चाहूंगा इस पॉइंट का, और लेट अस से दिस इज कॉल्ड सेंटर, ये है नंबर लाइन जो कि इंफाइनाइट तक जा रही, यहां भी और यहां भी इंफाइनाइट तक जा रही। मैं दोबारा बना लेता हूं इसे, यहां और यहां इंफाइनाइट तक जा रही। अब देखना ध्यान से,
इस बार मैं पहले सीधा सीधा पॉइंट ले रहा, सीधी सीधी मैपिंग की थी, इस बार मैं मैपिंग कर रहा हूं ऐसे। तुम कोई भी मेरे को पॉइंट बताओ, उसके लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट ढूंढ सकता हूं। तुम यहां से ये वाला पॉइंट चाहते हो, इसकी इमेज यहां पड़ी हुई है देखो, तुम ये वाला पॉइंट चाहते हो, इसकी इमेज यहां पड़ी हुई है देखो, तुम ये पॉइंट चाहते हो, ये पड़ी इमेज भैया। लेकिन नंबर लाइन तो इंफिनिटी तक जाती है ना, आप रियल की बात करना चाह रहे हो ना, रियल तो इंफिनिटी तक जाते हैं, अभी दिखाता हूं बेटा। तुम कोई भी मेरे को एलिमेंट बोलो, भैया ये वाला चाहिए, ये लो आ गया, मतलब ये वाला चाहिए। भैया मेरे को और दूसरा पॉइंट चाहिए, ये लो ये आ गया। भैया मेरे को बिल्कुल नीचे चाहिए, ये लो ड्रॉ कर दिया, ये लो ड्रॉ कर दिया। भैया इन्फिनिटी का पॉइंट चाहिए, अब बताओ ना। लो फंसा दिया हमने आपको, ले बेटे फंसने वाले तो हम है नहीं। यहां से पॉइंट जाओ, ये जा रही है पैरेलल लाइन, इन्फिनिटी भी कहां पे मिलेगी, पैरेलल पे जाके, तो दोनों जाके कहां पे मिलने वाली है, इन्फिनिटी पे जाके मिलने वाली। भैया मेरे को बहुत दूर पॉइंट चाहिए, ये लो बहुत दूर वाला भी मिल गया। भैया मेरे को उससे पास चाहिए, ये लो वो भी मिल गया, ये लो वो भी मिल गया, सारे मेरे को एलिमेंट मिल गए देखो एक सेमी सर्कल से। भैया मेरे को इन्फिनिटी वाला नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि दिखाई देगा भी नहीं, इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है तुम्हें, इसमें दिखाई दे रहा है इन्फिनिटी वाला पॉइंट का नहीं, तो इस बार ये वाला भी कभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सेमी सर्कल के अगर तुम्हें पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे, वो पैरेलल लाइन इसके साथ कब मिलेगी, इन्फिनिटी पर जाकर। लो मिल गए इन्फिनिट। इसका मतलब भैया सारे एलिमेंट के लिए मेरे को क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है, इसका मतलब वन वन। यहां के हर एलिमेंट के लिए वापिस एक मेरे को प्री इमेज मिल रही है, मतलब ओन टू है, इसका मतलब वन वन ओन टू, ज्योमेट्रिकल प्रूफ कहते हैं, ठीक है। मेरे को इमेज मिल गई, इसका मतलब वन वन भी है, ओन टू भी है, इसका मतलब ये भी बाइजेक्टिव हो गई, मतलब ए इज सिमिलर टू सी, ए इज सिमिलर टू बी, ए इज सिमिलर टू सी, विच इंप्लाइज बी इज सिमिलर टू सी, विच इंप्लाइज रियल इज सिमिलर टू इंटरवल, और कैसा भी इंटरवल हो उसके इक्वल होने वाला है, ठीक है। तो रियल सिमिलर होता है इंटरवल। और भी तुम्हें क्वेश्चन देके जाए, मतलब क्वेश्चन देंगे टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, वरना टेस्ट में दे देंगे, जब टेस्ट लेंगे तुम्हारे, तो इनको चीजों को बेस स्ट्रॉन्ग करने की अपनी कोशिश करो, कि भैया घुमा फिरा के हम एक ही चीज को यूज कर रहे हैं, जैसे तैसे करके मेरे को वन वन ओन टू या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन पता, बस उसी को यूज करने वाला हूं। और तो भैया मेरे को आपने कुछ बताया नहीं है जो मैं बता पाऊं, समझ पा रहे हैं, बस मेरे को यही पता है कि बस मेरे को यही आपने बता रखा है भैया, एक वन वन और एक ओन टू और तीन इक्विवेलेंस के रिलेशन। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई वॉन्टेड यू टू डू। एक आधा और क्वेश्चन तुम्हें दे देते हैं, क्वेश्चन R is similar to zero, इसको करना, क्या ये इसके सिमिलर होगा, भैया आंसर इज यस होगा। इसका भी मैं प्रूफ है तुम्हें कराना चाहूंगा, मैं एक और तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं उससे कराता हूं, इंटरेस्टिंग प्रूफ है, अभी अभी दिमाग में आया है, तो एकदम इंस्टेंट करा देना चाहिए, ठीक है। एक तुम्हें करा दूंगा, R is similar to zero, और इस बार भैया मैपिंग के लिए क्या चूज करने वाले हो, इस बार मैं मैपिंग के लिए ना आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज लाने वाला हूं, जिसका नाम है टैन थीटा। भैया टैन क्यों लेके आ रहे हो, टैन मैं इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि भैया टैन में जब तुम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में डालते हो चीजें, तो टैन की वैल्यू क्या मिलती है, भैया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का मतलब है रियल नंबर। अब खुद सोच के देखो, मैं एक सेट लाऊंगा पाई बाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का, और मैंने तुम्हें अभी अभी कहा था कैसे भी इंटरवल ले आओ, कैसे भी इंटरवल ले आओ, They are similar. तुम कैसा भी इंटरवल लेके आओ, they are similar. चाहे तो तुम यहां पर, नहीं मैंने यहां पर क्या दिया, 01 दिया, इसको 01 लिख दें। अरे भैया मैंने अभी अभी तो बताया कि सारे के सारे नॉन ट्रिवियल इंटरवल्स क्या होने वाले हैं, they will be similar. कैसे भी हो, कितने भी बड़े हो, भैया सबसे बड़ा तो रियल हो सकता था, रियली जब इंटरवल सिमिलर आ गए तो बाकी इंटरवल तो आपस में होंगे ही, समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब दिस इज सिमिलर टू दिस। ये किसके सिमिलर मैं अभी दिखाऊंगा, माइनस पाई बाई टू में सिमिलर अभी दिखाऊंगा तुम्हें, ये सिमिलर दिखाऊंगा माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी, और ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड भैया रियल, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाते हैं रियल। तो मैं मैपिंग डिफाइन कर लेता हूं, फंक्शन Which goes from minus pi by 2 to pi by 2 and और मिलता क्या मुझे, minus infinity से infinity, which is real और minus pi by 2 से pi by 2 पे ना मैं ये वाली लगा लेता हूं, क्योंकि मेरे को exact minus pi by 2 से pi by 2 नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं यहां पे ओपन ब्रैकेट लगा देता हूं, क्योंकि इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी मेरे को इंक्लूडेड नहीं चाहिए चीजें, और यहां पर भी तो ओपन ही था इसलिए मैंने ओपन ही लिया। अरे भैया
इसको मैंने गलती से ये ले लिया ना, यहां पे ओपन लिया है तो यहां भी ओपन लूंगा। मैंने गलती से वहां पे क्लोज सोच लिया था तो मैंने क्लोज वाला लगा दिया, और क्लोज से भी कर सकते हो यार, यहां पे बस क्लोज से रिप्लेस कर देना इसे, क्लोज वाला तुम कर लेना। यहां तो क्लोज नहीं आ पाएगा, ऑब्वियसली बात है, एग्जैक्ट इन्फिनिटी तो तुम्हें कभी मिली नहीं पाने वाली। मेरे ख्याल से यहां तक तो तुम्हें कोई भी डाउट नहीं होगा। नाउ ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स होता है, टैन एक्स होता है, इसको तुम प्रूव करके देखोगे दिस इज वन वन एंड ओन टू। क्यों भैया वन वन एंड ओन टू डाल के देख लिया, टैन ऑफ एक्स वन इक्वल टू टैन ऑफ एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू। और दूसरी चीज, सारे के सारे मेरे को एक्स के लिए एक टैन एक्स मिलने वाला है, सारे के सारे एक्स के लिए एक टैन एक्स मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भैया कि ये वन वन है, सारे के सारे टैन एक्स के लिए एक एक्स मिलेगा, इसका मतलब भैया वो ओन टू है। ये तुम प्रूव कर भी सकते हो, ये हमने बचपन में पढ़ा भी होगा। भैया ये वन वन क्या ओन टू भी है, इसका मतलब ये तो भैया क्या होने वाला है, ये तो हमारे पास होने वाला है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब सिमिलर, तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होने वाला है सिमिलर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के, और ये सिमिलर होने वाला है रियल नंबर के। वन सेकेंड, कुछ घपला किया हमने, नहीं रुको, हाँ ये तो इक्वल ही होता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी विच इज इक्वल टू रियल, ये तो होते रियल नंबर। और ये किसके सिमिलर आ गया, जीरो और वन के, क्योंकि ऑल ऑल इंटरवल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, ऑल इंटरवल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अब एक क्वेश्चन मेरे पास पेंडिंग है जिसका जिसका मैं यहां पर लिख देता हूं नाम, वो हमारे पास कैसा थोड़ा अजीब होगा देखने में, बट मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम में कराने वाला हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। जीरो वन की पावर नेचुरल नंबर विच इज सिमिलर टू आप। तुम कहोगे भैया ये क्या बला लिख दिया आपने, तो इसको मैं नेक्स्ट टाइम कवर कराना चाहूंगा क्योंकि वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी तो फिर बात बनेगी। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। अगली एक वीडियो आने वाली है अर्थमेटिक ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये वहां पर चीज बताने वाला हूं और इसका मतलब भी तुम्हें बताऊंगा। आई होप कि आज की वीडियो में मजा आया होगा और न्यू चीजें सीखी होंगी और प्रैक्टिस पहले खुद से की होगी फिर मेरे यहाँ पे सॉल्यूशन तुमने देखे होंगे। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ पे सीख के जा रहे हो कुछ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।